सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फौजी गेम का टीडीएम मोड के बारे में, कि यहाँ पर किन किन लोकेशंस पर बेस्ड है एंड ये क्या अपने इंडिया के रियल लोकेशंस पर बेस्ड है। एंड यहाँ पर इसके मैप से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी अच्छी बातें पता चलने वाली है एंड काफ़ी यहाँ पर आप लोगों को मैप का यहाँ पर एक आइडिया पता चल जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर एक किस टाइप का मैप देखने के लिए मिलने वाला है अपने फौजी गेम के अंदर। तो दोस्तों फौजी गेम से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल एक आइजन का इंटरव्यू आया था, उसके बाद एक बंदे ने उनको ट्विटर में ये बताया था कि यहाँ पर जो फौजी गेम का अपना जो टीडीएम मोड है वो यहाँ पर अपने मुंबई की जो एक लोकेशन है धारावाई उस पर पूरी बेस्ड है। एंड यहाँ पर उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें यहाँ पर जो भैरव जनरल स्टोर है एंड यहाँ पर जो हम लोग को गेम में देखने के लिए मिलता है भैरव जनरल स्टोर, उनका जो यहाँ पर बैनर है ऊपर वाला वो सेम है। एंड अगर आप लोग मेरी माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर जो पोस्टर है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर वायु डिजिटल स्टूडियो, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा मुंबई गलीज में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मुंबई गलीज के ट्रेलर के यहाँ पर जो पूरी 3D मॉडल्स है एंड यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर पूरे मुंबई गलीज में जो 3D आर्ट्स है उन पर यहाँ पर वर्क किया है। एंड यहाँ पर जितने भी 3D आर्ट्स वगैरह थी वो यहाँ पर सभी यहाँ पर वायु डिजिटल स्टूडियो ने बनाए हैं। एंड इन्होंने यहाँ पर लिंक्डइन में ऐसा पोस्ट भी डाला था एक बार। एंड यहाँ पर वायु डिजिटल स्टूडियो ने भी फौजी गेम के अंदर वर्क किया है एंड उसकी यहाँ पर जो इतनी भी 3D आर्ट्स वगैरह हैं एंड जो आप लोगों को गेम के अंदर जो पूरी आर्ट्स दिख रही हैं, जो बैनर दिख रहे हैं, जो पोस्टर्स दिख रहे हैं, आप लोगों को अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह दिख रही हैं, तो ये सारा वर्क यहाँ पर जो किया है वो वायु डिजिटल स्टूडियो ने किया है, जिससे कि यहाँ पर जो गेम के अंदर जो डिटेलिंग है ना वो हम लोग को और ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल रहेगी। सो इसलिए हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिल सकता है जो बैनर वगैरह हैं, जो पोस्टर्स हैं एंड यहाँ पर जो डिज़ाइंस वगैरह हैं कुछ यहाँ पर मुंबई से यहाँ पर सिमिलर हो सकती हैं, पर यहाँ पर हम लोग जो पूरा यहाँ पर मैप देख रहे हैं वो तो हम लोगों को पूरा राजस्थानी लुक दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो भी यहाँ पर पूरी राजस्थानी लुक में है एंड यहाँ पर जो उनमें आर्ट्स बनाई गई हैं वो भी पूरी राजस्थानी लुक्स में है। एंड अगर देखा जाए धारावाही के लोकेशंस में हम लोग को ऐसी कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती हैं। एंड यहाँ पर पोस्टर में हम लोग को एक जगह देखने के लिए मिलता है मोती महल, तो मोती महल को भी मैंने चेक किया तो यहाँ पर मोती महल भी हम लोग को मुंबई की धारावाही में देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर एक महल है जो कि हम लोगों को राजस्थान में देखने के लिए मिलता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हम लोगों का जो एक ब्लर वाला पार्ट है उससे। सो यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर अपने जो फौजी गेम का टीडीएम मोड का जो अपना मैप होगा वो एक काफ़ी बड़ा मैप होने वाला है, कोई छोटा मोटा मैप नहीं होगा। एंड यहाँ पर क्योंकि स्नाइपर्स वगैरह का हम लोग यूज़ करेंगे ना तो हम लोग को काफ़ी दूर के रेंज में हम लोग को स्नाइपर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग का जो मैप होगा वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा दिया जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ नोटिस करिएगा कि हम लोग यहाँ पर घरों की छतों पर भी जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर में कई जगह हम लोग को यहाँ पर जो अपना करेक्टर से वो देखने के लिए मिला है कि वो घरों की छत में चढ़ करके यहाँ पर स्नाइपर से शॉट लगा रहा है, तो शायद से हम लोग किसी किसी घर की छतों में भी चढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर मैप इतना बड़ा होगा, इतनी ज़्यादा डिटेल मैप के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल ही मजा आ जाने वाला है फौजी गेम के टीडीएम मोड के अंदर। वैसे आप लोग का क्या ओपिनियन है कि जो मैप है ये मुंबई पे बेस्ड है या फिर यहाँ पर राजस्थान में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड वैसे तो अभी तक हम लोग को यहाँ पर कोई गेम प्ले ट्रेलर हम लोग को नहीं अनाउंस किया गया जिसमें हम लोग रियल गेम प्ले का आइडिया लगा सके किस टाइप का गेम प्ले हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, किस टाइप का करेक्टर मूवमेंट वगैरह होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इतना तो कन्फर्म है कि यहाँ पर करेक्टर मूवमेंट हम लोग को जैसा ट्रेलर में देखने के लिए मिल रहा है कुछ उसी टाइप का देखने के लिए मिलेगा। एंड गेम प्ले के ग्राफिक्स थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लो देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल ही ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा लो देखने के लिए मिलेंगे। एंड यहाँ पर कुल मिला करके हम लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अपने फौजी गेम के टीडीएम मोड के गेम प्ले में। सो नेक्स्ट मंथ तक शायद से हम लोग को एक और न्यू ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा जिसमें से शायद हम लोग को यहाँ पर गेम प्ले वगैरह का कुछ आइडिया लग जाएगा एंड यहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा किस टाइप का गेम प्ले हम लोग को फौजी टीडीएम में मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोग एक इंस्टेंट अर्निंग ऐप लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को सिंपली रजिस्टर कर लेना है एंड आप लोग रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ सिंपल प्रेडिक्शन करना है एंड आप लोग ज़्यादा मनी अर्न कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर जैसे कि 10 रुपीज़ आप लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग उसका 9 times 90 रुपीज़ देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पर स्मार्ट अर्निंग के लिए प्लेयर्स को यहाँ पर जो लास्ट विनिंग लिस्ट है उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए जिससे यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर पाएगा। एंड इस ऐप में आप लोग एक बार में 200 रुपीज़ तक रिडम कर सकते हैं एंड इस ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइएगा मेक श्योर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो फौजी गेम से रिलेटेड अगर आप लोग के पास और भी कई सारे डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।